Hi, my name is Dalbir and I teach FT, Fertilizer Technology. Fertilizer Technology की इस सीरीज क्रम में मैं आप लोगों के लिए Fertilizer Technology में Potassic Fertilizer टॉपिक पढ़ाऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बताऊंगा। इसके बारे में पहले जो पार्ट होगा पार्ट वन, उसमें मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, और जो पार्ट टू होगा उसमें इसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बन सकते हैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र से, वो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्वेश्चन आपके लिए करा दूँगा। ठीक है, अब देखते हैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र, दैट मीन पोटेशियम। इसका जो आप पोटेशियम होता है दैट मीन पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? के। आई थिंक आप लोगों ने NPK का नाम, मैंने NPK आप लोगों के लिए पढ़ाया है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और नाउ इट इज़ अ मिक्स फर्टिलाइज़र। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि जो NPK है वो किस टाइप का फर्टिलाइज़र है, तो इट इज़ अ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, राइट। अब इसके बाद मैं पोटेशियम के की बात कर लेता हूँ। इस पोटेशियम के जो हमारी सोल होती है मिट्टी, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, डिफरेंट टाइप के तत्व, तो हम इसमें बेसिकली जो इसमें कमी होती है वो नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फोरस की कमी होती है और एक पोटेशियम की कमी होती है। तो इसमें जो पोटेशियम की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोटेशियम फर्टिलाइज़र। और उसमें आपके दो टाइप के यूज होते हैं, एक KCl होता है जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और दूसरा K2SO4 जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, राइट। ये दो टाइप के होते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, राइट। ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र हैं वो दो टाइप के होते हैं, वो मैंने आपके दोनों टाइप के बता दिए। लेक और ये किसकी कमी को पूरा करते हैं? के, पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं ये फर्टिलाइज़र। ठीक समझ में आ रहा है ना, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं ना, पोटेशियम फर्टिलाइज़र मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करता है, और जो आपकी सॉइल है मिट्टी है उसकी pH वैल्यू को मेंटेन करता है, और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको भी ये मेंटेन करता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब बीज बोते हैं तो उस टाइम पर ये लगाया जाता है, ये रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? कलर इसका रेड होता है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र का रेड कलर होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा वाइट भी होता है लेकिन बेसिकली रेड कलर का होता है। इसके बाद मैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र की जो मैंने आपको बताए दो टाइप, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक पॉइंट और लिखा देता हूं पोटेशियम फर्टिलाइज़र के बारे में, जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम को मैंने आई थिंक आप लोगों के लिए बताया था के से डिनोट करते हैं। अगर आप KCl के लिए तोड़ेंगे तो एक K+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो जो K+ होता है ये आयन के रूप में टूट जाता है, और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ हो गई, सॉइल का pH मान हो गया, या आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल उसको इंक्रीज या मेंटेन करने के काम में आता है, ठीक है। और एक पॉइंट और उसके बारे में होता है, इट इज़ द सॉल्युबल, ये क्या होता है? पानी में घुलनशील होते हैं। जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र
पानी में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पोटेशियम फर्टिलाइज़र पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो उसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, राइट। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने जैसा कि आपको दो टाइप कराए हैं, एक KCL कराया है, इसको जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र है जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है वो दो टाइप के हैं, एक पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम क्लोराइड की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला पोटेशियम क्लोराइड, जिसे KCl भी बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जिसे KCl भी बोलते हैं, राइट। अब पोटेशियम जो क्लोराइड होता है, इसमें इस ये वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है। KCl या पोटेशियम क्लोराइड इज अ वाइट और रेड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ये वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें जो आपका K2O की परसेंटेज, पोटेशियम ऑक्साइड की परसेंटेज लगभग 60% के आसपास होती है। कभी कभी ऑप्शन में दे रखा होता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र विच है कंटेन 60% K2O, तो वो किस टाइप का फर्टिलाइज़र कहलाएगा? तो ऑप्शन में आपको KCl, K2SO4 इस तरह से दे रखे होंगे बहुत सारे ऑप्शन, तो आपको पोटेशियम क्लोराइड पर क्लिक टिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें K2O कितना परसेंट हो जाता है? 60% होता है इसमें। नाउ इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये इट इज़ अ कंप्लीट, ये पानी में पूर्णतया घुलनशील होते हैं, ये पानी में पूर्णतया घुलनशील होते हैं। और इसका पॉइंट बन जाता है, नाउ ये जो होते हैं, अगर इनको पोटेशियम क्लोराइड को अगर मिट्टी में मिलाएंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन घुल जाते हैं। तो आपका जो पोटेशियम KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये सॉल में आपके जो मिट्टी होती है उसमें घुलनशील नहीं, लॉस्ट नहीं हो पाता है। ये कोलाइडेड सरफेस होती है आपकी जो मिट्टी की, उसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है बस, लेकिन लॉस्ट नहीं होता। इसको क्या होता है, मिट्टी के जब हम मिट्टी में जो आपकी खेत है, या आपने देखे होंगे खेत तो देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, जब हम बीज को बोते हैं तो बीज के बोते टाइम लगाते हैं, और बीज को बोने के बाद में भी पोटेशियम KCl क्लोराइड को लगाते हैं। इसको बीज को बोते समय तथा बाद में प्रयोग में लाते हैं। जो पोटेशियम KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसको बीज के बोते समय लगाते हैं, और बीज जब बाद में हो जाता है तब भी इसको लगाते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ होती है और सॉइल का पीएच स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसमें एक पॉइंट और हो जाता है आपका, ये पॉइंट इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और आपको पता चलेगा, जैसे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराऊंगा तो वहाँ पता चलेगा कि क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें जो KCl है, इसमें क्लोरीन कितने का परसेंट होता है? द क्लोरीन कंटेंड इन KCl is about 47%। कितना परसेंट होता है? 47% होता है Cl, क्लोरीन। KCl में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लोरीन 47% होता है। इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड जो आपका एक कंपोनेंट है पोटेशियम फर्टिलाइज़र का, उसका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। आपके में दो टॉपिक दे रखे हैं,
एक KCl दे रखा है, एक K2SO4 दे रखा है। तो अब दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, जैसा कि मैंने आपको दो भागों में ये डिवाइड करके इस तरह से KCl और K2SO4 जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं मैंने डिवाइड करके बताया है आपको के लिए। तो हम K2SO4 की बात कर लेते हैं, ये क्या काम करता है। ये है जो आपका K2SO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, ये सामान्यतः सफ़ेद कलर का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फॉर्म में होता है। अब इसमें मैं K2O जो पोटेशियम ऑक्साइड है उसका परसेंटेज कितना रहता है इसमें, तो इसमें जो उसका परसेंटेज रहता है 48% रहता है लगभग। इसमें जो परसेंटेज रहेगा वो 48% रहेगा पोटेशियम सल्फेट में K2O। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ समझ में आएगा ये K2O है क्या, इसका परसेंटेज इसमें क्यों ज़रूरी है। अगर 60% बोल दिया तो KCl पे टिक करोगे, अगर 48% या 50% के अराउंड बोल दिया तो लगभग पोटेशियम सल्फेट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आई थिंक इसके में दूसरा पॉइंट बन जाता है, पोटेशियम सल्फेट में दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि ये जिस प्रकार से KCl पानी में सॉल्युबल होता है उसी प्रकार K2SO4 भी पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। K2SO4 आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इससे बनता है, जिस प्रकार से आपका जो ये जो K2SO4 है वो क्या करता है, मिट्टी की ना तो एसिडिटी को चेंज करता है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, ये एसिडिटी को ना बढ़ाता है ना घटाता है, ना उसकी बेसिकिटी एल्कलिनिटी को भी नहीं बढ़ाता है उसकी। K2SO4 मिट्टी की अम्लता तथा एल्कलाइनिटी को भी नहीं बढ़ाता है, राइट। ये उसमें अम्लता को भी नहीं बढ़ाता है, एल्कलाइनिटी को नहीं बढ़ाता है, यानी इसे बोलते हैं क्षारकता को भी नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अब K2SO4 का जो ट्रीटमेंट होता है इसको बनाने के लिए प्रोसीजर बड़ा होता है, तो उसमें ये कॉस्टली पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू KCl की अपेक्षा। नाउ हम बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट की, इट इज़ अ कॉस्टली, मैंने जैसा कि मैंने अभी बताया था ये कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए कॉस्टली पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू KCl। तो इसको बनाते कैसे, पोटेशियम क्लोराइड KCl पर मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन करा देते हैं, तो इसको इसलिए ये महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, क्या इसका और पॉइंट हो सकता है कॉस्टली क्यों पड़ रहा है, ये आपको पता चल गया होगा। एक पॉइंट लिखा देता हूँ, जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र होते हैं चाहे KCl हो चाहे K2SO4 हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, वो क्या करते हैं, वो आपकी प्लांट की पोटेशियम फर्टिलाइज़र प्लांट में या फिर सोइल कंडीशन हो, कुछ भी सोइल जो आपकी मिट्टी हो किसी प्रकार की भी हो, या कोई क्लाइमेट फैक्टर हो किसी प्रकार का, जैसे बारिश या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता हो फसल पर, तो इन सब चीज़ों से बचाते हुए जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र है इन सब चीज़ों से बचाता है, उसमें कीड़े वगैरह ना लगें, इन सब चीज़ों से भी बचाता है, और जो प्रोडक्शन है
से बचाता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर प्लांट में सोल की कंडीशन या क्लाइमेट फैक्टर कुछ भी हो तो उसमें प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देता है, और क्या बढ़ा देता है, क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्वालिटी ऑफ प्लांट, क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। आपने देखा होगा उससे उसमें कलर आ जाता है, कुछ गहरा कलर आ जाता है, इनक्रीज करता है। एक और आप लोगों के लिए एक ऑप्शन के तौर पे बन सकता है एक नया पोटेशियम फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ना पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसको हम इज मेनली यूज्ड करते हैं, किस में करते हैं, इंटेंसिव हॉर्टिकल्चर, जो आपकी बागवानी टाइप कुछ जो बागवानी टाइप होती है सीनरी वगैरह, वहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन के तौर पर बन सकता है। इस तरह से ये लेक्चर तो कंप्लीट होता है। पोटेशियम फर्टिलाइज़र जितने भी इम्पोर्टेंट थे, जितने भी आपके सिलेबस में थे, वो मैंने सभी इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखा दिए हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब मैं आप लोगों के लिए कराऊँगा उससे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं उनका यूज कहाँ पर हो रहा है और उनसे कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ठीक है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र कितने टाइप के होते हैं, सोल में क्या कमी होती है और किस कमी को पूरा करते हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आपके में KCl और K2SO4 दो टाइप के बताए हुए हैं, दोनों टाइप को मैंने बता दिया। ठीक है, जो KCl के बारे में भी मैंने बता दिया है और आपको K2SO4 के बारे में बता दिया। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों के बारे में। और अब मैं आप लोगों के लिए, कुछ भी आपको समझ में ना आए तो इसको दोबारा वीडियो को चला के देख लें, और हाँ सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो पड़ेगा तो आप लोगों के लिए पता चल जाएगा। नाउ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन जितनी जो आपको पोटेशियम फर्टिलाइज़र है इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के लिए मैं कराऊंगा। थैंक यू।